वहीं बेल्लारी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। टिंकू, क्या हत्या हुई आपके भाई? क्या मामला? रात को मेरे भाई दारू पे था, फिर कुछ लोग मेरे घर मेरे चौराहे पे आए थे, वो बोल रहे थे तो का ये धुंध काटता है, ऐसा वैसा है, और कि हमने ये दो तीन दिन पहले छोड़ दिया है वरना हम इसमें धुआं निकाल देते, आज नहीं बचेगा ये। तो आगे तो वो लोग कौन लोग थे? हमारे गांव के लोग थे वो। क्यों, क्या बात हुई उनसे? कैसे उसी कौन सी लड़ाई रहती है? जी मैं बाजार गया था और मुझे इस बात का कोई पता नहीं था, मगर मैं आया था तो ये चल रहा था, मेरे भाई को वो लोग सारे लोग गाड़ी दे रहे थे, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था क्योंकि वो बहुत थे। अब कैसे गिरफ्तार पाया गया आपका भाई? मेरा भाई मुझे मरा हुआ पाया गया, मतलब मुर्दा। कहाँ? छबीराम के ट्यूबवेल पर। कैसे कैसे, क्या क्या, किस चीज़ से मारा है? फांसी लगी हुई थी उसके, कहीं अंत मार के ला करके और पेड़ में फांसी लगाई हुई है। पैर जमीन से टिके थे क्या उसके? पैर जमीन से टिके हुए थे जी। क्या लग रहा है आपको, किसी ने मारा है? जी मारा है, किसी ने हत्या की है जी। पुलिस पहुंच गई अब तक? जी हाँ, पुलिस आ चुकी है जी। ये जानकारी मिली है कि ये फांसी लगा के पेड़ में मृत पाए गए हैं। अभी तो यही कहा जा रहा है कि यही लग रहा है कि फांसी लगाई गई है, और बाकी अभी इसके बारे में डिटेल पीएम होने के बाद और विवेचना के बाद ही दिए जा पाएगा। तो परिजनों से पूछताछ की तो कुछ नाम दर्ज तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है परिजनों के द्वारा। सर कोई प्रार्थना पत्र वगैरह आया है? अभी कुछ नहीं।